साल 2023 में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने एक बार फिर अपने फैंस को नए साल का शानदार तोहफा दिया है। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में शानदार शतक के साथ नए साल का आगाज किया है। इस वनडे मैच में विराट कोहली ने ना सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ शतक बनाया बल्कि साथ ही साथ रिकॉर्ड्स की झड़ी भी लगा दी। विराट कोहली ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी रिकॉर्ड बुक्स में अब पीछे छोड़ दिया है। तो आखिर किस तरह से गुवाहाटी वनडे विराट कोहली के नाम रहा, किन किन रिकॉर्ड्स को विराट कोहली ने तोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, कैसी थी विराट कोहली की ये पारी, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विराट कोहली दो देशों के खिलाफ 9-9 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो विराट कोहली के नाम पहले ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 शतक थे और अब श्रीलंका के खिलाफ भी विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 9वां शतक जड़ते हुए रिकॉर्ड बुक्स में एक बार फिर शान से एंट्री ले ली है। गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में विराट का बल्ला एक बार फिर कोहराम मचाता हुआ नजर आया। साल 2022 में बांग्लादेश दौरे पर अपनी खेली आखिरी वनडे पारी में भी विराट कोहली ने शतक बनाया था और गुवाहाटी वनडे में श्रीलंका के खिलाफ विराट ने अपनी उसी फॉर्म को आगे भी जारी रखा। विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 45वां शतक बनाया और इस शतक को पूरा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों का सामना किया। अपने शतक को पूरा करने के दौरान विराट कोहली ने 10 चौके और एक छक्का लगाया। विराट 87 गेंदों पर 113 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाया। ये वो मैच था जहां विराट कोहली ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कर लिए। अब घर पर खेलते हुए विराट कोहली के श्रीलंका के खिलाफ 20 पारियों में 6 शतक हो गए हैं। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 44 मैचों में घर पर बनाए गए 5 शतकों के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। साथ ही साथ विराट कोहली ने अब श्रीलंका के खिलाफ कुल 48 वनडे मुकाबलों में 9 शतक बना लिए हैं। इसी के साथ विराट ने सचिन तेंदुलकर के 84 पारियों में बनाए 8 शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। गुवाहाटी वनडे में विराट कोहली का बल्ला शानदार फॉर्म में नजर आया और उनके बल्ले से निकले हर स्ट्रोक पर स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट फैंस दीवानों की तरह नाचते हुए नजर आए। हालांकि इस पारी के दौरान विराट को 2 मौके भी मिले, लेकिन इसके बावजूद क्रीज पर बल्लेबाजी करते हुए विराट की बल्लेबाजी की आक्रामकता पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब विराट कोहली के 73 शतक हो चुके हैं। साथ ही साथ वो वनडे क्रिकेट में भी सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड से अब सिर्फ 4 शतक दूर हैं। ये विराट की खेली शतकीय पारी का ही नतीजा था कि गुवाहाटी वनडे में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 7 विकेट पर 373 रन बनाने में सफलता हासिल की।